भी पहन लेते हैं क्योंकि बंदा बड़ा कंफर्टेबल रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने ईद के बाद बनाया था, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि आपकी बहन यूट्यूब से ही गायब हो चुकी थी, तो मैं कैसे शेयर करती, तो भी मैंने सोचा कि चलो आज ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं कुछ खाने पीने के लिए घर से निकली हूँ। आज पता नहीं क्यों घर मेरा खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बाहर से कुछ खा के आते हैं। वैसे तो फ्रिज में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, पता है ईद गुजरी थी तो काफ़ी लेफ्ट ओवर फूड जो है हमारा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बाहर से कुछ खा के आते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत कबूतर हैं। और भाई जब ये इंसानों के अंदर चलते फिरते नज़र आते हैं ना, तो वो बड़ा रेयर देखने को मिलता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। एज यूजुअल इन्होंने आज भी मेरा ऑर्डर रेडी नहीं किया, इसलिए मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ। हाँ जी, घोंसले में तो ले लिया मैंने, अब चलते हैं पार्क में। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 5 मिनट लगेंगे गर्मा गर्म घोंसले में। भूख लग रही है देख देख के, चलें सुकून से चल के बैठ के खाएंगे। पार्क में आ गई हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, पता नहीं कोई इमरजेंसी है नहीं, आइसक्रीम वाला, सारी दुनिया लगता है यहीं पे आ गई क्योंकि धूप निकली हुई है ना, तो इस टाइम पे सारे इंजॉय कर रहे हैं। चलिए हम भी कोई स्पॉट देखते हैं और फिर बैठते हैं चलते। हाँ जी, तो मैंने भी इधर एक स्पॉट ढूंढ लिया है, और ये होता है जनाब घोंसले में। इसके अंदर फिलिंग है चिकन और स्पिनच की। कैसे दिखाऊँ, ये देखें इस तरह से चिकन और स्पिनच की होती है, और ये लेमन के साथ बहुत मज़े का लगता है। उन्होंने एक लेमन दिया था, मैंने एक और उनसे लिया क्योंकि मुझे एक कम पड़ जाता है। लेमन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर जिस चीज़ के साथ खाती हूँ ना तो सही दबा के खाती हूँ। तो चले भूख लगी हुई है, खाते हैं हम। अभी बस मैं घर आ गई, और जो घोंसले में बच गया था वो मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सारा तो खाने नहीं होता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाने होता, और इवन काशिफ़ से भी नहीं खाया जाता। मतलब नॉर्मली मर्द जो है वो औरतों से ज़्यादा खाते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये इतना ज़्यादा होता है कि काशिफ़ से भी नहीं खाया जाता। तो खैर अभी मैं घर आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रात के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ, हांडी वगैरह बना लेती हूँ, तो बस कुछ लाइट सा बनाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चने बना लेती हूँ। तो बस फिर उसके लिए थोड़े से प्याज नॉर्मल हांडी से ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए जितना मसाला होता है ना हांडी उतनी ही अच्छी बनती है। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा प्याज मैंने कट कर लिए हैं, और अभी इसको हल्के से ऑयल में डाल दूंगी। और व्लॉग को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैंने बताया हुआ है कि मैं अपना जो ये इलेक्ट्रिक स्टोव है इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ। पहले भी मैंने एक दफ़ा वीडियो में दिखाया था, लेकिन आपने बोला था कि आपने प्रोडक्ट तो दिखाई नहीं अच्छी तरह से कि किस तरह से करते हैं साफ़, तो फिर आज मैंने जो है ना पूरा तरीका इसके अंदर बताया, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। तो अभी बस मैं ये कैन ओपन कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये ऊपर से भी खुल जाते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि इसमें जो है ना वो कोई चांस नहीं होता आपके हाथ पे लगने का, वरना लग जाए तो आप लोगों को पता है कि 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए बंदा इतना मजबूर हो जाता है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। पता है मुझे लास्ट टाइम भी कट लगा था, तो इतना टाइम लगा था रिकवरी होने में, और अभी तक भी जो उसका कट है ना वो फिंगर पे है, निशान नहीं गया। तो अभी बस मैं साथ में बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम भी खा रही हूँ, और अभी मैं पता नहीं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बड़ा लो सा फील हो रहा है, और आइज़ में ना कुछ इचिंग सी हो रही है। मैंने सन ब्लॉक लगाया, तो पता नहीं आइज़ के कुछ बहुत ज़्यादा ही क्रीम लगा दिए कि वो मुझे जो है ना वो बहुत इरीटेट कर रही हैं, तो इसलिए मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और अभी बस मैं लाइट पिंक से हो गए हैं प्याज मेरे, तो साथ में मैंने मिर्ची डाल दी है, ग्रीन चिली, और साथ में टमाटो पेस्ट डाल दिया। टमाटो पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि हम लोग मसाला अच्छा बना रहे हैं, तो इसलिए जब अच्छा बनाएंगे तो टमाटो पेस्ट ज़्यादा डालेंगे। तो अभी गया है जनाब सूखा धनिया, और अभी ये ज़ीरा पाउडर गया है इसके अंदर, और ये जा रही है हल्दी। हल्दी भी मैं नॉर्मल से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो है ज़्यादा ही डाल लूँ। और मुर्ग छोले का मसाला शान का वो मैं यूज़ कर रही हूँ।
पहले अच्छा मैंने पाकिस्तान में कभी भी हमारे घर में यूज़ नहीं हो, क्योंकि इस तरीके से कैन वाले तो छोले बनते ही नहीं थे, तो यहाँ पर आके बनाने शुरू किए तो वो उस तरह से जो है ना वो फ़्लेवरफुल नहीं फिर ये होते जब तक वो कहते हैं यखनी, यखनी तो वैसे गोश्त की होती है लेकिन इसका भी एक जो पानी होता है ना वो डाला करते थे तो उसमें सारा जायका चला जाता है। तो इसमें फिर जायका डालने के लिए और जो है ना एक वो लाहौरी चनों का जो टेस्ट होता है ना वो आ जाता है इसके अंदर इस मसाले से, तो बड़ा अच्छा लगता है इसलिए अब मैं डाल लेती हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैक्सिमम या 1 टेबलस्पून भी काफ़ी होता है। तो अभी फिर साथ में मैं क्यूकम्बर कट करके रख लूँगी और ये बस इस तरह से मैं कट करके लंबे लंबे रख देती हूँ कि आते मतलब मैं स्पेशली बैठ के नहीं खाती, आते जाते कोई एक पीस उठा लेती हूँ खा लेती हूँ, फिर एक पीस जो आधे घंटे बाद फिर याद आ जाएगा फिर उठा लूँगी। तो इस तरह से जो है ना ये मेरी सैलड की जो रिक्वायरमेंट है ना ये इस तरह से पूरी कर लेती हूँ मैं। तो अभी बस मैंने चने भी इसके अंदर डाल दिए और प्याज़ों का जब मसाला बनाया था ना तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो ढक्कन लगा दिया था कि प्याज जो है ना वो ऊपर ऊपर नज़र ना आए, अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो ये देखें बड़ा अच्छे से मसाला हमारा बन गया है। तो अभी बस इसको पानी लगाकर जितना मैंने शोरबा इसका रखना है तो वो मैं रख लूँगी। और इसका शोरबा भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि जो रोटी हम लोग खाते हैं ना टोटीला रैप के साथ हम लोग खाते हैं तो वो शोरबे के साथ कुछ मज़ा नहीं देती। तो अगर तो घर की रोटी हो तो फिर बंदा उसके साथ शोरबे में डिप करके खाता है तो मज़ा आता है, लेकिन इसके एक दो दफ़ा मैंने ऐसा सालन बनाया तो वो जिसमें ज़्यादा शोरबा होता है तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए अब मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि बस ना सूखा सूखा और ज़्यादा जो है वो ग्रेवी वाला ना हो। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कैन फूड अवॉइड किया करें, ये वाले चने ना यूज़ किया करें, घर में बना लिया करें उसको पानी में डिप करके। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर 2-3 हफ्ते में ही एक दफ़ा चने बनने होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल अगर 2-3 हफ्ते में एक दफ़ा कैन फूड खा लिया जाए तो इतना ज़्यादा हार्मफुल होगा, इतना ज़्यादा तो खाते ही नहीं हम लोग। तो चलें जी सीट बेल्ट बांध लें, अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह से चूल्हे को साफ करना है। इस तरह से जब आपका सही गंदा हो जाएगा ना चूल्हा तो फिर आपने ये वाला स्प्रे लेना है। यहाँ कॉर्नर में आपको इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है, तो ये वाला स्प्रे लेकर आपने इसको अच्छी तरह से ना स्प्रे कर देना है जहाँ जहाँ पर आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस स्प्रे को यूज़ करने से पहले आपने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपने लाजमी करने हैं। आपने फेस मास्क ले लेना है जो सही वाला जो है ना नाक के साथ चिपक जाए, क्योंकि ये केमिकल बहुत तेज़ है, आपके गले में सीधा जाकर लगता है। मैंने एक दो दफ़ा पहले ट्राई किया ना तो इतनी मुश्किल से सांस लिया जाता है और ये रैप करने की तो फिर वो मोहलत ही नहीं देता आपको यहाँ पर खड़े होने की। आप ज़रा सा स्प्रे कर दें फिर आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो आपने मास्क लाजमी लगा लेना है और इस तरह का क्लिंग रैप आपने ले लेना है। अगर तो आपका घर बड़ा है, किचन सेपरेट है, तो फिर आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, इसको रैप ना भी करें तो ठीक है, लेकिन मेरा घर तो छोटा है तो सारे घर में इसकी जो है ना स्मेल फैल जाती है। तो मैं एग्जॉस्ट भी ऑन कर देती हूँ, मैं विंडो शिंडो भी खोल देती हूँ कि बिल्कुल जो है ना वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर खाने की कोई फूड आइटम्स आपकी पड़ी हुई हैं किचन में तो उनको भी ढांप के बल्कि साइड पर ही रख दें, इससे काफ़ी दूर रखें कि ये बिल्कुल खाने के अंदर ना जाए। तो अभी जो है जब मैंने उसको स्प्रे करके रखा तो मैंने कहा चलें कुछ और काम भी कर लेते हैं, क्योंकि जो आपकी माँ की आदतें होती हैं ना वो सारी आपके अंदर ट्रांसफ़र होनी ही होती हैं। तो बस फिर मैं भी अपनी अम्मी की तरह ही हूँ, जो एक काम शुरू करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से फिर जो है ना सारे काम मैं शुरू कर लेती हूँ। काशी मुझे कहता है सुगड़ा सुगड़ एक्स्ट्रा सुगड़ू। तो अभी जनाब यहाँ पर मैंने इसको रैप करके रख दिया था और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर वो जो है ना फ्लफी सा हो गया है उसका मिक्सचर, जैसे सारे स्टेन्स जो हैं वो क्या कहें इसको मतलब उगड़ गए हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है कि इस तरह का एक कपड़ा ले लेना है और इसके साथ आपने इसको साफ़ कर देना है। गीला ले लीजिएगा, ड्राई के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, गीले के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। तो बस देखें कितना आसान है, मैं कहती हूँ कि आपकी रूह खुश हो जाएगी, अंदर से एक खुशी आएगी जब ये इस तरह से साफ़ होगा ना कि यार इतना गंदा था इसको तो साफ़ कर 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 के करते रहते थे होता ही नहीं था। और ये जो सेटिस्फेक्शन होगी ना आपके दिल से दुआ निकलेगी फरवा के लिए मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद बहुत फेस की है कि ये बिल्कुल इसके स्टेन साफ़ ही नहीं होते। और ये जो चूल्हा है ना
ये पानी भी इसके ऊपर गिरे तो ये स्टेन्स छोड़ देता है, इतने बुरे किस्म के, जैसे जंग नहीं लग जाता इस तरह के स्टेन्स नज़र आते हैं। इतना मुश्किल होता है साफ़ करना और हर रोज़ ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि मेरे चूल्हे को अवॉइड करें, क्योंकि बंदा हर रोज़ नहीं साफ़ कर सकता यार, दुनिया में और भी बहुत सारे काम होते हैं चूल्हा साफ़ करने के अलावा। तो इस वजह से जो है ना, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग थी, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि ये गले में बहुत ज़्यादा लगता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन करके आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइड के ऊपर आपको स्टेन नज़र आ रहा है ना, ये कोई पेपर है जो जल के जो है ना, वो बिल्कुल इसके साथ चिपक गया, ये उतरता नहीं है। तो इसलिए मैं उतारती भी नहीं हूँ कि कोई निशान ना बने इसके ऊपर। और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको वो सामने दरमियान में ये वाला जो स्टेन है ना नज़र आ रहा होगा, कि इस तरह से आप कई दफ़ा ना स्प्रे किसी जगह पर मिस कर देते हैं, प्रॉपर आप स्प्रे नहीं करते तो वहाँ से दाग जो है वो नहीं उतरते। तो फिर आप ये हल्का सा वाइप भी कर सकते हैं इसको, इसके साथ डिशवॉशर वाला स्पंज ले लें, कोई भी चीज़ ले लें आपके पास जो भी है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से स्प्रे मार कर भी थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो भी उतर जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मेरी भी थोड़ी सी मेहनत वसूल हो जाती है, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। और बस अपनी बहन को सपोर्ट करें कि मेरे भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लग जाएं। तो फिर मिलती हूँ आपसे, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।